राम राम सर, मधुरस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बीकानेर के प्रसिद्ध रसगुल्ले बनाना बताऊंगी। रसगुल्ले सभी को बहुत ही पसंद होते हैं, तो बनाने में बहुत ही आसान है। तो आइए बीकानेर के प्रसिद्ध रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। इष्पंज रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने 4 लीटर दूध लिया है गाय का। इससे क्या होता है, रसगुल्ला सॉफ्ट बनता है और खाने में टेस्टी रहता है। 1 लीटर मैंने पानी लिया है और 2.5 किलो चीनी ली है। पहले चाशनी बना करके तैयार कर लेते हैं। चाशनी पहले बना करके तैयार करना है तो 1 लीटर पानी मैंने डाल दिया है। ये 2.5 किलो चीनी ली है, इसको भी डाल देते हैं। चीनी को अच्छे से मिला दिया है और मीडियम आंच पर इसको चाशनी को बना करके तैयार कर लेते हैं। मैंने 150 ग्राम दूध लिया है और 150 ग्राम पानी लिया है, दोनों को मिला करके लिया है। इसमें क्या होता है, चाशनी मेल वगैरह होता है तो अच्छे से निकल जाता है और चाशनी वाइट बनती है और रसगुल्ला टेस्टी बनता है। तो इसको अच्छे से मिला देते हैं। तो दूध को अच्छे से मिला दिया है, मेल आने लग गया ऊपर से। ये मैंने 4 लीटर दूध लिया है, तो आधा दूध लेना पहले। 1 कप पानी डाला है मैंने भगोनी में। आधा दूध को बचा के रखना है, इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं। गैस की आंच मैंने तेज ही रखी है। ये बचा के रखा दूध, इसको भी डाल देते हैं। एक साथ इसलिए गर्म नहीं किया कि दूध उबाल आने में टाइम लगता है, दूध जल्दी गर्म हो जाता है, तो 2 बार में डालना चाहिए। तो कृपा की मदद से मैं दूध को चला रही हूँ अच्छे से, कि दूध चिपके ना तले के। इसको चलाते रहना ही है, चिपक जाता है तो रसगुल्ला का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। दूध में 1 उबाल आ गया है और गैस को ऑफ कर दिया मैंने। 1 उबाल आने तक पकाना है दूध को। ये मैंने 1.5 कप पानी लिया है, नॉर्मल पानी लिया है, और 2 छोटा चम्मच मैंने सिरका लिया है दूध फाड़ने के लिए। तो पानी में मिला देते हैं सिरका को। इसकी जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हो, 2 नींबू का रस। थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं और कृपा की मदद से इसको चलाते रहते हैं। तो मैंने अच्छे से मिला दिया है और इसको ठंडा कर दिया है। पानी ऊपर आ गया है और चना अच्छे बन करके तैयार हो गया है। इसको धो करके तैयार कर लेते हैं। चना को 4 से 5 पानी से धोना है। चना धो करके मैंने तैयार कर लिया है, पानी बिल्कुल नहीं रखा है, एकदम सॉफ्ट चना बना है। चना को बड़ा बर्तन में निकाल लेते हैं। इसको मिलाने में आसान होगी और इसको आटे की तरह तैयार करना है, तो इसलिए मैंने बड़ा बर्तन लिया है। कपड़े को साइड में रख देते हैं, इसको अच्छे से हाथ की मदद से इसको सॉफ्ट कर लेते हैं चना को। रसगुल्ला अच्छा बनेगा, 4 से 5 मिनट लग जाता है। हल्के के हाथ से करना है, हथेली की मदद से। इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। तो छाना बन करके तैयार हो गया है और छोटी छोटी बॉल बना करके तैयार कर लेते हैं रसगुल्ले की। बहुत ही सॉफ्ट बना है, हल्के हल्के हाथ से बनाना है। मैं इष्पंज रसगुल्ला बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बना रही हूँ और ज़्यादा छोटा भी नहीं बना रही हूँ। आपके पसंद के हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हो। ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, ये फूलते हैं तो डबल हो जाती है। सारी बॉल एक ही तरीके से बना करके तैयार कर लेते हैं। ये चिपकती है तो हल्के हाथ से बनाना इसको, और रखते समय ध्यान रखे, आराम से रखना बना करके। तो सारी रसगुल्ले की बॉल बना करके मैंने तैयार कर ली है एक ही तरीके से, प्लेट में निकाल ली है। आराम से रखना है, रसगुल्ले टूटे नहीं। सारी बॉल बना के तैयार कर ली है, बिल्कुल करेक नहीं रहना चाहिए, इससे क्या होता है बॉल फट जाती है और रसगुल्ले अच्छे नहीं बनते हैं। चाशनी में डाल देते हैं, चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है। ये मैंने आटा लिया है,
इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा था और इसको छान करके साइड में रख दिया है। और इसका पानी डालेंगे तो रसगुल्ले में उबाल बनाए रहे। तो ये मैंने पानी ले रही हूँ, इसको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, 1-2 बूंद डाल करके और उसको अच्छे से उबाल आना है। तो इसमें चाशनी का उबाल बना रहे और रसगुल्ला अच्छे से पके। तो चाशनी अच्छे से उबल के तैयार हो गई है, तो रसगुल्ले डाल देते हैं। तो मैंने सारे रसगुल्ले एक साथ ही डाला है। तो मैंने पहले बार में अरेटा का पानी ज़्यादा डाला है, 1 कप डाला है, और चाशनी का उबाल बनाए रहे और रसगुल्ले अच्छे से फूले। इसमें मैंने ठंडा पानी लिया है भगोने में, तो मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ। चाशनी कम हो जाती है तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं, तो मैंने 2 बार में थोड़ा थोड़ा पानी डाला है। तो रसगुल्ले बन करके तैयार हो गया है। ये मैंने नॉर्मल पानी लिया है भगोने में, तो इसमें डाल देते हैं। चाशनी साथ में डालना है और गैस को ऑन ही रखना है डालते समय। तो सारे रसगुल्ले भगोने में निकाल लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बना है, मैंने स्पंज रसगुल्ले बनाए हैं। तो सारे रसगुल्ले मैंने भगोने में निकाल दिया है और चाशनी थोड़ी सी बचा के रखी है। इसको ठंडे होने के लिए रख देते हैं 2 घंटे के लिए। रसगुल्ले ठंडे हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं। बोल में निकाल लेते हैं। रसगुल्ले बन करके तैयार हो गए हैं। ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि ये रेसिपी कैसी लगी। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। मिलेंगे नए साथ, तब तक के लिए आराम से।